तीन दिवसीय उपराष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के दूसरे दिन चिकित्सा विभाग द्वारा गठित टीमों ने घर घर जाकर वंचित रहे नौनिहालों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई। टीमों ने डोर टू डोर घूमने के साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई। जिले में रविवार से शुरू हुए 3 दिवसीय उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत पोलियो वैक्सीन पीने से वंचित रहे मासूमों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सोमवार को घर घर सर्वे किया। इस अभियान के दौरान जिन क्षेत्रों में अब तक टीमें नहीं पहुंच पाई, वहां सोमवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने डोर टू डोर पहुंचकर नौनिहालों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई। सोमवार सुबह से ही शहर के विभिन्न वार्डों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए डोर टू डोर पहुंची। बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी के मुताबिक पोलियो को देश में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इस तरह के अभियान चलाकर उसकी फिर से शुरुआत की संभावनाओं की पूरी तरह से समाप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 5 साल से अपने भारतवर्ष में कोई भी पोलियो रोगी नहीं पाया गया है, तो अपन तो मुक्त है ही, पर तो चूंकि अपने पड़ोस में आग लगी हुई हो, पाकिस्तान में अभी पोलियो फ्री नहीं हुआ है, अपने और पड़ोसी अफगानिस्तान फ्री नहीं हुआ, तो कहीं वहाँ से अपन पोलियो आयात ना कर दें, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम ये उपराष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो कार्यक्रम 2 बूंद दवाई बच्चों को पिलाते हैं अपने जिले में। और हमारी सारी टीमें और हमारे सारे चिकित्सक संदिग्ध से हमारे जिले में ये लगभग 2 दिन का कार्यक्रम चलता है, संडे और मंडे को। उसमें बूथ स्तर तथा मोबाइल टीमें काम करती है। आज हमारा पोलियो का 2रा दिन है। प्रथम दिवस पर हमने लगभग 3 लाख लोगों को ये दवाई पिलाई है, और ये हम क्या कहते हैं 2 दिनों में लगभग हम 100% बच्चों को दवाई पिला। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 दिन तक चलने वाले इस उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान जिले में कुल 4,48,266 नौनिहालों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पहले दिन पोलियो कैंप के बाद जिन क्षेत्रों या घरों में चिकित्सा टीमें नहीं पहुंचने या किसी भी तरह से पोलियो वैक्सीन पीने से वंचित रहने वाले बच्चों के लिए अभियान की शुरुआत से 2 दिन तक पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। विभाग ने आम जन को भी अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने को लेकर जागरूक रहने की अपील की है।